द्वारा क्रिमिनल्स के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा गया है, उसी में चेकिंग के दौरान थाना चारचा में दो अभियुक्त फरमुद्दीन और आरिफ गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे एक लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक, एक 315 बोर की देसी बंदूक राइफल और चार तमंचे 315 बोर के, ढेर सारे कारतूस 12 बोर के और 315 बोर के बरामद हुए हैं। एक बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है और इसमें यह भी पता चला है किसी से ये माल खरीदते थे, वो भी हमारी निगाह में है और निश्चित तौर पे कोई बड़ा क्राइम करते। हालांकि ये कह रहे थे कि हम कहीं सप्लाई करते, किसी को बेचते, लेकिन निश्चित तौर पे इसमें से एक व्यक्ति जो फरमुद्दीन है वो पहले भी 354 में जेल जा चुका है, दूसरे का क्रिमिनल इतिहास अभी नहीं है। अभी इनके बारे में और भी हम लोग गहराई से आसपास के थानों में छानबीन कर रहे हैं। कितने रुपए की बेचते थे सर, और क्या कभी किसी गैंग वगैरह को भी इन्होंने अपने हथियार बेचे हैं? नहीं, अभी किसी को बेचा नहीं था। पहली बार इनका कहना है कि हम लोग बेचते कहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोई बड़ा क्राइम करते उसके लिए इकट्ठा किए हुए थे और ये कहीं क्राइम करने ही जा रहे हैं। क्या चारचा में कहीं कोई फैक्ट्री वगैरह चल रही जहां से नहीं इनको बनाते थे? फिर नहीं, ऐसा नहीं। सर जिससे लिया था क्या बताया था कि कितने का इन्होंने ये हथियार लिए थे? किससे? जिससे ये लेते थे ये हथियार, जिनसे लिए हथियार खरीदे? अब उसके बारे में हम पता करेंगे, अभी पता करेंगे, अभी पूछताछ चल रही है। सर ये सप्लाई करते थे हथियार की या फिर सिर्फ ये घटना का अंजाम देते थे? पहली बार ये पकड़े गए हैं, कहीं सप्लाई नहीं किया है और निश्चित तौर से हमारा मानना है कि ये कहीं कहीं न कहीं कोई बड़ा अपराध कार्य करते हैं। सर ये जो राइफल है लाइसेंसी, ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? ये तो पता करेंगे, नंबर से पता करेंगे, अब तो पता करेंगे डीसीआरबी वगैरह के माध्यम से कहाँ से चोरी गई, लूटी गई, ये पता करेंगे बाद में। ठीक।